हेलो भाइयों, मैं हूं गौरव कुमार। और भाई सामने अपने हैं महिंद्रा की इकलौती सिडान। भाई इसको आप कहो कि ये महिंद्रा की इकलौती सिडान थी उनके पास। अब मार्केट में इनकी कोई भी सिडान गाड़ी नहीं आती है भाई, ये इकलौती सिडान थी जो कि है वेरिटो। आप देख सकते हो भाई महिंद्रा की ये बैजिंग भी, ये रही आपको दिखा देता हूँ, ये महिंद्रा लिखा हुआ भी है भाई। तो ये वेरिटो 2011 वाला मॉडल है, ये डीजल का है। और उस समय इनके पास सिर्फ ये इकलौती निकाली थी, इसका एक ईवी वाला वर्जन भी निकाला था इन्होंने वेरिटो ईवी नाम से। और अब ये महिंद्रा का ये प्रोडक्ट ज़्यादा हिट नहीं रहा तो इसलिए उनको ये डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और अब इनकी मार्केट में केवल सिर्फ ये एसयूवी बेचते हैं भाई। तो रियर से मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आपको बेसिक ये टेल लैंप्स मिलती थी भाई, ये यहाँ पे स्टॉप लैंप, ये इंडिकेटर, रिवर्स लैंप, इसमें ये रहा। ये वेरिटो की बेजिंग एग्जीक्यूटिव वाला वेरिएंट है ये महिंद्रा की इधर बेजिंग। ये बूट अभी आपको खोल के दिखाऊंगा। पीछे की साइड इसमें आपको ये टोइंग नट ये मिल जाता था भाई। रियर में आपको कोई वाइपर तो नहीं मिलता भाई सिडान से, पर इसमें आपको डिफोकर जरूर देखने को मिलेगा। अब आपको इसके फ्रंट में दिखाऊँ, फ्रंट में लेके चलता हूँ उसके। तो ऐसे ही मिलती है आपको इसकी फ्रंट की डिज़ाइन, काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है इसमें, कुछ ज़्यादा वो कर्वी डिज़ाइन नहीं है, सिंपल सोबर डिज़ाइन है इसका बिल्कुल। हेडलैम्प्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको सिंगल बाउल मिलेगा, यही हाई बीम और लो बीम यही काम करेगा। ये इधर आपको इंडिकेटर मिलेगा, ये इसकी ग्रिल है। नीचे की साइड एक फोक लैम्प आपको देखने को मिल जाएगा भाई। साइड से मैं आपको दिखाऊँ गाड़ी में तो यहाँ पर आपको फेंडर पर देख इंडिकेटर देखने को मिलेगा भाई। और टायर साइज़ की मैं बताऊँ तो ये आपको मिलेंगे 185/70R14 14 इंच के, इसमें आपको व्हील्स मिलेंगे। और ये स्टील रिम मिलती है इसमें आपको, एलॉयज आफ्टर मार्केट है इसमें। हाँ तो अब आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ कि इसमें आपको इंटीरियर कैसा मिलता है। तो ये देखो क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी भाई उस टाइम में महिंद्रा की। तो ये इसका आपको ऐसा इंटीरियर मिलता है। और ओ भाई इसका डोर काफ़ी हैवी है भाई। हाँ तो ये है कुछ इसका स्पीडोमीटर, ऐसा आपको मिलेगा ये इधर एकोमीटर, ये स्पीडोमीटर। और इसकी वो देखो भाई इसमें कैसे दिए मैंने 10, 20, 30 और बाकी गाड़ियों में 1, 2, 3 ऐसे देते हैं, इसमें 10, 20 सॉरी। ये तो यहाँ पे आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाएगी MID, और ये यहाँ पे वार्निंग लाइट्स, ये रही। ऐसा मिलेगा आपको महिंद्रा वेरिटो का इंटीरियर। इंटीरियर में ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल काफ़ी सिंपल सा इंटीरियर है इसमें। ये आपको कैनवुड का स्टीरियो आपको महिंद्रा ऑफर करती थी उस समय। और इसकी पावर विंडो के कंट्रोल्स डोर पे ना देके, डोर पे कोई कंट्रोल्स नहीं है भाई। मैं आपको डोर एक बार अच्छे से दिखाऊं तो ये देखो आप, डोर बिल्कुल खाली है इसका, बस यहाँ पे स्पीकर ग्रिल दी है। ये इसके जो पावर विंडो के कंट्रोल्स ये रहे भाई, ये पावर विंडो है इसके। और इसमें आपको 5-स्पीड का ट्रांसमिशन मिल जाएगा, ये इसका मैनुअल हैंड ब्रेक, और ये ऑटो डिमिंग IRVM भी इसमें है भाई। ये रहा ग्लव बॉक्स, इसमें काफ़ी डीप मिल जाएगा आपको, और काफ़ी स्टोरेज के लिए वो भी मिलेगा आपको इसमें बढ़िया, यहाँ पे और स्टोरेज के लिए दिया हुआ है। स्टेयरिंग की मैं बात करूँ तो इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगी, सिंपल ऐसा ही रहेगा स्टेयरिंग। इसमें आपको एक सिंगल एयरबैग देखने को मिल जाएगा, ये वाइप लाइट के कंट्रोल्स हैं, और ये इस साइड वाइपर के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे देखने को। ये 5-स्पीड का ट्रांसमिशन, ये मैनुअल AC, और ये हजार्ड का स्विच है इधर। गाड़ी के सीट्स का कंफर्ट मैं आपको बताऊं तो सीट इसकी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है भाई इसमें। ये देखो मेरे थाइस कितने ऊपर हो रखे, मतलब थाई सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट इसमें गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है। रियर का स्पेस भी आपको दिखाता हूँ, सीट आगे वाली मेरे हिसाब से एडजस्ट है। अब रियर में चलता हूँ भाई, हम आ चुके गाड़ी के रियर में। और रियर में सीट्स का मैं बताऊँ तो ऐसा कुछ स्पेस आपको मिलेगा, ये देखो भाई रियर में भी कुछ ज़्यादा खास स्पेस मेरे को लगा नहीं अच्छा इसमें। सीट्स में भी ज़्यादा कम्फर्ट नहीं है, पर इसमें एक चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है कि तीनों रियर के एडजस्टेबल नेकरेस्ट मिल जाते हैं इसमें आपको। और पीछे की पावर विंडो की अगर आप सोचो कि पीछे वाले लोग कहाँ से पावर विंडो करेंगे, तो उनके लिए पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ दे रखे हैं भाई। आपको गाड़ी का बूट बता देता हूँ, कितना आपको गाड़ी में बूट मिलेगा। तो यहाँ से अपन ने इसको खोला, और बूट से पहले आपको गाड़ी में 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। और फ्यूल टैंक की बात करें तो ये 50 लीटर की कैपेसिटी इसमें आपको मिल जाएगी। और ये देखो इसमें आपको 510 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा भाई। सही सुना आपने, अगर आपका किडनैपिंग का धंधा है तो आप इसमें मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला, आराम से एक बंदा लेटा के ले जा सकते हो।
अब बात करें इसके इंजन स्पेक्स की, तो यह है इसके अंडर द हुड भाई। इसमें आपको मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि लगभग 65 bhp आपको पावर निकाल के देगा, और 100 मिलेगा 65 bhp की पावर और 160 nm का टॉर्क गाड़ी आपको निकाल के देगी। ARA गाड़ी की माइलेज है 21 kmpl की। तो यह थी वरीटो अपनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ में। कैसे लगी आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच।